आप किसके सरेंडर करने के लिए आए सर? आप किस केस के अंदर आप? 307 में। 307 में कितने समय से आप जेल के अंदर? जी हम पेरोल पे हो गए 3 साल। 3 साल हो गए हैं, तो आपको कैसे पता लगा कि सरेंडर करना था? सर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी 15 दिन के अंदर सरेंडर करना है, तो आज आप सरेंडर करने आज त्याग जी। हमें कोरोना टाइम में सुप्रिंटेंडेंट राजेश चौहान जी ने पेरोल दिलवाए थे, हमें सुप्रीम कोर्ट से पेरोल मिली थी, हम इज्जत से अपनी सारी पेरोल काटी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 7 तारीख की लास्ट डेट है आपको वहाँ होना है, तो हम अपने टाइम से सिलेंडर होने आए, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं हैं। बस दिल्ली पुलिस हमें इस तरीके के बना दिया कि हमें जेल कटवा रही है 5 साल हो गए। कितने समय से आप? 1.5 मुझे हो गए, 1.5 साल। डेढ़ साल अभी तक सिलेंडर क्यों नहीं किया था? कोर्ट से ऑर्डर आया था? नहीं, कभी कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया कि सिलेंडर। मैं यहाँ पर आया 4-5 बार पूछने, बोले बढ़ रही है। अभी आज तक ऑर्डर नहीं? हाँ जी अभी आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया। नहीं, पहली बार ऑर्डर आया है। हाँ पहली बार ऑर्डर आया सर। किसने आया जी? सिलेंडर करने आया। और किस केस के अंदर जी? 302 मर्डर में। आपने 302 में मर्डर के अंदर पैरोल पर थे या एंटीसिपेटरी बेल पर? जी पैरोल पे थे, जो कोविड 19 पे मिली थी। कितने समय से आप बाहर? 2 साल से बाहर है। तो आज तक आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चल रहे थे, जो गाइडलाइन चल रही थी एसपीसी, उस पे ही सब चल रहे थे। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 24 मार्च को एक ऑर्डर करा था जिसके अंदर 15 डेज का टाइम दिया था। हाँ, और जिसके आज शाम 5 बजे तक आपने सरेंडर करना है। हाँ जी, लेकिन इस ऑर्डर से पहले आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? आपके पास पहले कोई लेटर नहीं आया? जी प्रशासन के अंदर से फोन आया था 7 तारीख को सरेंडर करना है, तो हम 7 तारीख को आ गए। उससे कोई फोन नहीं आया, उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आया। नहीं जी, प्रशासन के अंदर से फोन आया था, तो उस हिसाब से हमने सरेंडर करा। आज मेरा सरेंडर है 1 नंबर जेल में। आप किस? मैं 302 मर्डर में हूँ। आप कितने समय से बाहर थे? मेरे को हो गए 1.5 साल हो गए, कोरोना के बेस पे पैरोल मिली हुई थी, 1.5 साल हो गए पूरे। तो आपको कैसे पता लगा कि आप आज सरेंडर करना है? हमको पता, हमारे घर तो लेटर आया था। अच्छा, लेटर आया था। तो क्या आपको ये भी पता है कि जो लोग समय पर सरेंडर कर देंगे, जो आपने एक जो रूल बताया 15 दिन के अंदर सरेंडर कर देते हैं जी, तो उसके बाद आप कोर्ट के अंदर अपनी रेगुलर बेल भी लगा सकते? जी 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 पता। बारे में आपको जो आपको लेटर आया था वो कहाँ से आया? जेल से लेटर आया था। जी जी लेटर आया जी जी। और अब आप 1 नंबर जेल? 1 नंबर जेल के अंदर सरेंडर। आप आज सरेंडर करने आए तो परिजन के लोग भी आए होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे। तकरीबन कितना समय से आप कोरोना काल से बाहर? 1.5 साल हो गए बाहर से। आप किस केस के अंदर? 302 में मर्डर केस के अंदर। मर्डर में। तो आपको सरेंडर करने के लिए कहाँ से पता लगा? भाई ऐसे अखबार में आई थी, ऐसा मालूम पड़ेगा साथ वालों ने बता दी। तो आप कितने दिन से बाहर थे? 2 साल से बाहर हैं। सर मैं सिलेंडर करने आया हूँ अपना। आपको किस केस के अंदर? मर्डर में था जी, पैरोल पे। पैरोल पे थे, तो आपको कैसे पता लगा कि आपको सरेंडर करना है? हमारे वकील ने हमारे को फोन कर बताया, अखबार में भी हमने पढ़ा था, हमारे वकील ने हमारे को फोन कर बताया आज आपको सिलेंडर करना है शाम को 5 बजे से पहले। अगर आप टाइम पे सिलेंडर कर देते हो तो आगे चल के आपकी बेली भी हो जाएगी। तो आपको आप कितने समय से बाहर थे? मैं 3 साल हो गए जी मेरे को बाहर। हमें कोरोना बेस पे जो है ना इंटरव्यू भारत मिली थी कोरोना काल के समय के जी, जी जी तो मिली। तो तकरीबन कितने समय से आप बाहर थे? दो साल हो गए। तो आप कौन सी जगह के रहने वाले हैं? हम यहाँ खानपुर तिगड़ी के रहने वाले। और किस केस के अंदर आपके ऊपर? 307 मुकदमा था उसमें। 307। आज आप कितने लोग यहाँ पर आए हैं? आज हम 4 आए, 4 मुकदमे आ रहे हैं। आप तिगड़ी से आए हो, तो आपके साथ परिवार के लोग भी यहाँ पर जी जी आप आए हैं जी। तो आपको कैसे पता लगा कि 8 तारीख की, 8 अप्रैल की डेट जो लास्ट है सरेंडर करने के लिए, और कहाँ से आपको सूचना मिली? सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी। हाँ जी। हाँ, उसके बेस पे हमें पता चला। उसके बेस पे? हाँ, कि 15 दिन का टाइम मिला था कि 15 दिन के अंदर सिलेंडर करना है। हाँ। तो हमें मालूम है कि 8 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए हम आज 7 तारीख में आए हैं, एक दिन पहले ही।